वो अभी हम लोग रास्ते में और अभी ट्रैफिक लाइट है तो अभी सनसेट भी होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चुका हूँ फेस्टिवल सिटी और अभी मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा इधर क्या क्या वाइब्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो उधर फुटबॉल हवा में उड़ रहा है। आपने कभी देखा है फुटबॉल जो हवा में उड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि गोलकीपर ने फुटबॉल मतलब फेंक दिए गए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने क्रिसमस डेकोरेशन रखी हुई है और ये है गॉडिवा और ये बहुत अच्छा चॉकलेट ब्रांड है। तो ये मैक और ये मेकअप की सबसे फेमस शॉप है यार। तो ये इधर जीप वाले इधर गाड़ी दे रहे और यहाँ पे इन लोग अगर आप मतलब शॉपिंग करोगे तो आप इधर रिसीप्ट डालो और फिर आपको चांस मिलेगा कि आप इधर गाड़ी ले सकते हो और वो आपको गाड़ी देंगे। और आप दुआ करो कि मुझे गाड़ी मिल जाए ताकि मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी कैसे अंदर से। आप लोग देख सकते हैं मॉल कितना हैपनिंग और अभी मुझे डर लग रहा है कि फुटबॉल मेरे सर पर ना गिर जाए क्योंकि ये फुटबॉल ये तो मुझे मेटल की लग रही है यार। तो आप लोग भी दुबई ताकि मैं आपको पूरा दुबई घुमाऊं सिर्फ 200 दिरहम पर डेस्टिनेशन सिर्फ। यहाँ से अभी हम लोग चॉकलेट खाएंगे और ये बहुत अच्छी जगह लग रही है और मुझे अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते थे इन लोग ने गिफ्ट लटकाए हुए, आपने कभी देखे गिफ्ट जो लटक हवा में? तो आप लोग देख सकते हैं इधर कितने ज़्यादा चीज़ हैं और अगर आप लोग इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा इधर मीट है वैक्यू वगैरह तो इसलिए आपको चीज़ और बीफ दिख रही है क्योंकि यहाँ पे कोलैब है इटली के साथ हाउस से। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ अगर कोई अच्छे फ्लेवर के चॉकलेट है मेरे टाइप के, अभी तक तो मुझे बहुत सारे दिखे लेकिन मैं चूज़ नहीं कर पा रहा कौन से। आप लोग देख सकते हैं यार कितने मजे के चॉकलेट, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मेरे मुंह में इतने पानी में पूरा जग भर जाऊंगा यार। आप लोग देख सकते हैं क्रिसमस ट्री इन लोगों ने लगाई, हम तो नहीं सेलिब्रेट करते क्योंकि हम मुस्लिम हैं लेकिन मैं बस आपको दिखा रहा हूँ यार। देख सकते हैं इससे भी बड़ी क्रिसमस ट्री, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं सेलिब्रेट नहीं करती लेकिन मैंने वो आपको दिखा दूँ। और बीच में एक रेड और वाइट कलर का मैन बैठा हुआ सांता क्लॉस। आप लोग देख सकते हैं इधर वाइब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी वाइब है इधर दुबई में, मतलब इतनी मतलब 7 o'clock ऐसी वाइब नहीं होती लेकिन अभी है इधर। तो फाइनली हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम चॉकलेट लिए, हम लोग ने बल्कि केक ले लिए और अभी हम उसका बिल पे कर रहे हैं। ये इटली का बहुत फेमस है इसलिए इधर पिज़्ज़ा और पास्ता भी मिलते हैं और ये रेस्टोरेंट भी और ये सेम टाइम पे चॉकलेट शॉप भी है। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम रोल्स देखा और मैंने आइसक्रीम रोल्स का
दिखाए हैं, तो आज मैं पहली दफा ट्राई कर रही हूँ। और मैंने चूज किया किंडर बीनो फ्लेवर। अभी आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं। ये कुछ और अभी ये लोग फैट आइसक्रीम में कोई लिक्विड डालेंगे जिससे बनेंगे। और आइसक्रीम इतनी महंगी थी यार, 50 दिरहम। जिन लोग ने ये वीडियो मतलब जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50 दिरहम। मैं होटल आया था वॉशरूम यूज़ करने के लिए और मुझे ये मिला, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। यार तभी हम लोग आए अल कबाब अल अफगानी, और यहाँ पे बेसिकली इधर कबाब मिलते, कढ़ाई मिलते। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा पहले भी आया, मुझे लगता है मैंने यहाँ का व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप इस व्लॉग में देख रहे, कोई बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये सिस्टम से बैठे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं क्योंकि बाहर अब मतलब दुबई में ठंडी हो चुकी है, मतलब ठंडी नहीं कि नॉर्मल हो चुका है। तो अभी सैलड और सूप आ चुके और रायता भी आ चुके, और अभी तो मैं खाने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखते हुए आपको सूप का रिव्यू देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मटन यखनी में वेजिटेबल्स भी। मैं मटन यखनी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए सही होती है। हमारा खाना आ चुका है, ये है अफगानी बोटियाँ, और वो है सीख कबाब, और वो है चावल, और ये है चिकन कढ़ाई। तो अभी मैं आपको खाना खाकर बताता हूँ कैसा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जूसी मतलब एन लेवल की बोटी लग रही है, मज़ेदार लग रही है। हर आइटम अडप कर रही है। ये तो मतलब कबाब है ना, ये मतलब बाकी कबाब से डिफरेंट है, इसमें कोई डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, वो डिफरेंट टेस्ट बहुत मज़े का है। तो ये अफगानी स्पेशल नान, और ये नान होते हैं ना ये बाकी नानों से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट ही डिफरेंट होता है। मुझे नहीं पता नान में टेस्ट कैसे डिफरेंट हो सकता है। गर्मा गर्म रायते के साथ खाने में कितना मज़ा आता है, बिल्कुल मज़े का। तो अभी मैं खाऊंगा अफगानिस्तान की बोटी, और अभी एक सेकंड मैं आपको खाकर बताता हूँ कैसा है। तो मैंने तोड़ के
अब हम इसको डालेंगे रायता में। तो ये बोटी ना पाकिस्तान की बोटी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो पाकिस्तान की बोटी होती है वो स्पाइसी है, ये मतलब इतनी स्पाइसी है क्योंकि इसमें मीट का फ्लेवर आ रहा है। हाय 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 हाय, ये क्या है? ये है दुम्बे का फैट। ओहो, सॉल्टी किस्म का मतलब कोई सॉफ्ट बोटी, इतनी जूसी मतलब उसका फैट है। आराम से मैंने स्वॉलो भी कर लिया, मैंने ट्राई भी नहीं की स्वॉलो कर लिया, इतना सॉफ्ट है। मलाई कुल्फी, तो इन लोग ने दो ऑप्शन दिए कि हमारे पास रोज़ कुल्फी और पिस्ता कुल्फी। मैंने पिस्ता लिया और अभी मैं आपको खाकर बताता हूँ पिस्ती कैसी, पिस्ता कुल्फी कैसी है। यार ये पता नहीं क्या फ्लेवर है, पता नहीं इसमें क्या है, मुझे पता है, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या पर यार क्या फ्लेवर है। अच्छा यार, तो यार की वीडियो में आज पेंट कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइक करें, शेयर।